ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी सिकुड़ कर बैठ रहे हैं। लड़की देखो जानू, इश्क मोहब्बत अपनी जगह है, पर ठंडे ठंडे हाथ लगाए तो रैप्टा मार दूंगी। साला इतनी ठंड में गलती से नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं, जरूर किसी चुड़ैल से मिलने जा रहा होगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, आपको आंसू पोंछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नाक पोंछने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए अपना ख्याल रखना। सर्दियों में आलू के पराठे खाकर धूप में मगरमच्छ की तरह पड़े रहने में जो सुख है, उसे ही असली सुख कहा गया है। कल रात को इतनी धुंध थी, आंगन में खड़े होकर दो गोल्ड फ्लैग फूंक दी, किसी को पता भी नहीं चला। सर्दियों में इंसान नहाने से पहले साइलेंट मोड में होता है, नहाते वक्त लाउड मोड पर, और नहाने के बाद वाइब्रेट मोड पर। बड़ी बेवफा हो जाती है गालिब, ये घड़ी भी सर्दियों में 5 मिनट और सोने की सोचो तो 30 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला, भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। पत्नी देखो, मैं इसे पिछले 7 साल से लगातार पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी ही है, और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो। पति भगवान से डर, ये शॉल है। पलट दूंगा सारी दुनिया मैं ए खुदा, बस रजाई में से निकलने की ताकत दे दे। किसी के पास केजरीवाल का नंबर है क्या? खांसी की दवाई पूछनी थी। सारी सारी रात गुजर जाती है बस इसी कश्मकश में कि ये साली रजाई में हवा किधर से घुस रही है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, पंखा एक पे करो तो गर्मी और दो पे ठंड है। आज का विचार, इंसान को जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है भाई। मुझे मत ढूंढो इस जहां की तन्हाई में, अरे ठंड बहुत है, मैं तो हूँ अपनी रजाई में। ठंड में सबसे बड़ी समस्या, आधी रात तो यही सोचने में निकल जाती है कि कंबल लंबा किधर से है और चौड़ा किधर से। कल शाम में एक औरत को ठिठुरते देख मेरे दोस्त ने अपना कंबल उसके बदन पर दे दिया। उसने कंबल फेंकते हुए कहा, गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। दो बातें हमेशा याद रखना, एक मुश्किल से घबराना नहीं, दो सर्दियों में नहाना नहीं। ताजा खबर, तेज ठंड होने के कारण लड़कियों की नाक बहने से सेल्फी में आई भारी गिरावट। इस बरसाती ठंड के मौसम में रजाई के अंदर रहना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और टमाटर की चटनी के साथ पकोड़े चाय मिलना मोक्ष की प्राप्ति। भगवान का दिया सब कुछ है, तौलिया है, साबुन है, बाल्टी है, डब्बा है, पानी है, पर नहाने की हिम्मत नहीं है। आने वाले कड़ाके की ठंड को देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नहाए हुए व्यक्ति को छूने वाला भी नहाया हुआ माना जाएगा। गलती से पंखे का बटन दब गया, पूरा परिवार यूं देखने लगा जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। सर्दियों का एक स्पेशल मैजिक ट्रिक, सुबह 7 बजे उठे और एक लंबी अंगड़ाई ले और फिर 5 मिनट के लिए सो जाए। जब आप 5 मिनट होने के बाद उठेंगे तो 9 बज गए होंगे। कदर करो ठंड की, अभी मुफ्त में मिल रही है, 4 महीने बाद हजारों रुपए खर्च कर कूलर और एसी में ढूंढोगे। दोस्तों आपको ये विंटर जॉक कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इन जॉक्स को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल फन ए टू जेड को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नहीं बजाई है तो अभी बजा दीजिए। जल्दी मिलते हैं लेटेस्ट जॉक्स के साथ, धन्यवाद।